हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एडवांस इकोनोमेट्रिक्स की पहली यूनिट जो कि है बाइनरी चॉइस मॉडल, इसको देखने वाले हैं। तो इस यूनिट में हम पढ़ते हैं लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, लॉजिट मॉडल, प्रॉफिट मॉडल और इन तीनों मॉडल का कंपैरिजन। तो इस वीडियो में हम पहला मॉडल जो कि है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइनरी चॉइस क्या होता है। तो अगर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ दो ही वैल्यूज ले तो उस तरीके के मॉडल को हम कहते हैं बाइनरी चॉइस मॉडल। तो ये वैल्यूज जीरो और वन के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि पर्सन के इनकम के बेसिस पे अगर हमें पता करना हो कि वो पर्सन इंश्योरेंस खरीदेगा कि नहीं, तो ये बाइनरी चॉइस मॉडल की कैटेगरी में आता है। तो जो रिग्रेसेंट होता है ये बाइनरी होता है या फिर डाइकोटोमस वेरिएबल होता है। तो डाइकोटोमस वेरिएबल का मतलब कि दो वैल्यू वाला वेरिएबल है, और बाइनरी वेरिएबल जो है ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी वाई के वन होने की पी है तो वाई के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो वन माइनस पी पी होगी। बाइनरी चॉइस मॉडल प्राइमरीली क्रॉस सेक्शनल एंड पैनल डेटा में इस्तेमाल किया जाता है, और टाइम सीरीज में इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हम किस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं और एस्टिमेट करने वाले हैं क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल्स को। क्या हम अभी भी ओएलएस का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम किस तरीके से इन मॉडल का इस्तेमाल करें प्रिडिक्शन में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमें किस एस्टिमेशन मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव है या फिर मेट्रिक है, और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव है या फिर क्वालिटेटिव है, तो उस सिचुएशन में हमें ओएलएस का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव है और सिर्फ दो ही वैल्यूज ले सकता है यानी कि बाइनरी है, और फिर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहे क्वांटिटेटिव हो या फिर क्वालिटेटिव हो, हम लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, लॉजिट और प्रोबेबिलिटी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव है और दो से ज़्यादा वैल्यूज वो ले सकता है, तो फिर चाहे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव हो या फिर क्वालिटेटिव हो, हम मल्टीनोमियल लॉजिट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम समझते हैं लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल को। तो वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई, ये हमारा एक इकोनोमेट्रिक इक्वेशन है, जहाँ पर क्योंकि ये बाइनरी वेरिएबल है तो वाई आई सिर्फ दो ही वैल्यूज ले सकता है, वन और जीरो। तो अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो वाई आई अगर वैल्यू वन लेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने एज्यूम की है पी आई, और अगर वाई आई वैल्यू जीरो लेगा तो वाई आई क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन माइनस पी आई। और वाई आई इंटू पी आई अगर हम देखेंगे तो ये वन के केस में हो जाएगा पी आई और जीरो के केस में हो जाएगा जीरो। अब हम अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई देखें तो ये होता है समेशन वाई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई वेन एक्स आई हैज हैपन्ड। और अगर हम देखें पीछे से तो ये समेशन वैल्यू हो जाएगी पी आई प्लस जीरो, जो कि जीरो आएगी। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वाई आई की वो पी आई है, और जो कि बराबर होगी अल्फा प्लस बीटा एक्स आई के। जो प्रॉपर्टीज हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वो रिफ्लेक्ट होंगी ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिडुअल टर्म्स ऑल्सो, और क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी है नेचर में, तो जो हमारा रेजिडुअल होगा वो भी बाइनरी होगा। तो जब वाई आई वैल्यू वन एज्यूम करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पी आई है, तो जो हमारा रेजिडुअल होगा उसकी वैल्यू होगी वन माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई, और जब वाई आई वैल्यू जीरो एज्यूम करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी आई है, तो जो हमारा रेजिडुअल होगा वो होगा माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई। तो हमारा जो रेजिडुअल टर्म है वो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। अब हम स्लोप पैरामीटर देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो स्लोप पैरामीटर निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई का डिफरेंशिएशन करना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी कि वाई आई वन हो का डिफरेंशिएशन विद एक्स आई, जो कि बीटा के बराबर है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक यूनिट चेंज आता है एक्स में यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो जो प्रोबेबिलिटी है वाई आई के वन होने की वो इंक्रीज हो जाएगी बीटा से। अब हम देखते हैं कि अगर हम एस्टिमेशन करते हैं लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल का ओएलएस से तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो वाई है वो सिर्फ क्योंकि दो ही वैल्यू ले रहा है जीरो और वन,
तो जो जब हम इसका एस्टिमेशन करेंगे ओएलएस से, तो हमें एक लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये जो लाइन है, ये हमने अगर हम एस्टिमेट करते हैं ओएलएस से लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल का, तो हमें कुछ इस तरीके की लाइन देखने को मिलेगी। तो जब हम ओएलएस का इस्तेमाल करते हैं एस्टिमेट करने के लिए बाइनरी चॉइस मॉडल को, हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है नॉन नॉर्मेलिटी। तो जो हमारा इंडिपेंड डिस्टर्बेंस टर्म है वो नॉन नॉर्मल होगा, और ये हमने देखा था कि जो प्रॉपर्टीज हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, वही रिफ्लेक्ट होती हैं एरर टर्म पे भी। और क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था ये बाइनरी था नेचर में, तो जो हमारा और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था, तो जो हमारा एरर टर्म होगा वो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो जिससे हमें जो है जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उनको अप्लाई करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, तो इस तरीके के टेस्ट जो है हम सिग्निफिकेंटली रिजल्ट हमें नहीं दे पाएंगे, यानी कि इन टेस्ट को हम नहीं लगा सकते हैं अगर हमारा जो एरर टर्म है वो नॉर्मल नहीं है। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है, तो सभी तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो बर्नौली हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो हम सैम्पल साइज बढ़ाकर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आती है, एरर टर्म्स जो होंगे वो हेट्रोस्केडास्टिक होंगे। तो क्योंकि लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल एसोसिएटेड है हेट्रोस्केडास्टिसिटी से, तो डिस्टर्बेंस टर्म में, तो जो एस्टिमेशन है मॉडल का ओएलएस से, उससे हमें इनएफिशियंट एस्टिमेटर्स मिलेंगे। तो वाई आई अगर 0 होगा, तो हमने देखा था कि जो एरर टर्म होगा वो माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई होगा, और वाई आई जब 1 होगा तो जो हमारा एरर टर्म है वो 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई होगा। और जो प्रोबेबिलिटी होगी एरर टर्म की, वही प्रोबेबिलिटी होगी जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी थी। तो जब भी हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है किसी वेरिएबल का, तो वो होता है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो जब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है म्यू आई का, जो कि एरर टर्म है, तो ये होगा जो म्यू आई होगा, यानी कि माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई, इसका स्क्वायर टाइम्स इसके आने की प्रोबेबिलिटी, जो कि 1 माइनस पी आई है, समेशन 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई का स्क्वायर, और उसके आने की प्रोबेबिलिटी ये स्क्वायर होगा, और उसके आने की प्रोबेबिलिटी जो कि पी आई है। अब पी आई हमने देखा था कि बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स आई से, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे पी आई की। तो हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो इस इक्वेशन से अगर हम अल्फा प्लस बीटा एक्स आई और 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई कॉमन लेंगे, तो हमें ये देखने को मिलेगा जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई। तो यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें सिर्फ 1 मिलेगा अंदर। तो जो हमारा वेरियंस होगा वो होगा ऑफ एरर टर्म अल्फा प्लस बीटा एक्स आई इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जो कि होगा पी आई इंटू 1 माइनस पी आई। अब क्योंकि वेरिएंस जो है एरर टर्म का वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, क्योंकि वेरिएंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स आई पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी देखने को मिलती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके, जहां पर वेट्स को रखा जा सकता है अंडर रूट पी आई इंटू 1 माइनस पी आई। अब जो तीसरी प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं बाइनरी चॉइस मॉडल का ओएलएस से, तो जो पैरामीटर्स होंगे वो नॉन लीनियर होंगे। तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग वाई आई ये डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट लेवल ऑफ एक्स आई पे। तो जो लीनियर पैरामीटर की अजम्पशन है ये वॉयलेट होगी, और दूसरा के जो वैल्यूज हैं एस्टिमेटेड कोफिशियंट की, वो कुछ इस तरीके से हो सकती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 और 1 की रेंज से बाहर चला जाए। और अगर ऐसा होता है तो जो नेचुरल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जो कि कहता है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है, वो वॉयलेट हो जाएगी। तो नॉन लीनियरिटी एक मेजर प्रॉब्लम है, और इसी वजह से हमें लॉजिट और प्रॉबिट मॉडल का इस्तेमाल हम देखेंगे कि आगे जाके करते हैं। चौथा जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जो आर स्क्वायर होता है, यानी कि गुडनेस ऑफ फिट होता है, वो 0.2 से 0.6 के बीच में लाई करता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का किस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है। थैंक यू।